पगड़ी वाले फरिश्ते फिर उतरे धरती पर, सिर पे पगड़ी, हाथों में गुरु का लंगर, बेखौफ बेपरवाह कोरोना पीड़ितों के घर तक पहुंच करते हुए मानवता की सेवा में समर्पित ये वही 2% वाले हैं जिन्हें कुछ दिन पहले तक खालिस्तानी और आतंकवादी कहकर बदनाम करने की घिनौनी साजिश की जा रही थी। वैसे देखा जाए तो पगड़ी वाले इन फरिश्तों के विरोध का कारण इनका खुद का न्यारापन और न्यारी सोची है, जो इन्हें अनोखी ताकत तथा खास पहचान देती है। दिल्ली में कोरोना महामारी से हाहाकार मची हुई है, लोग अपनी और अपनों की जान बचाने में लगे हुए हैं, और ये है कि अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना मरीजों के घर तक लंगर पहुंचा रहे हैं। ऐसे में इनको पगड़ी वाले फरिश्ते ना कहूं तो और क्या कहूं। यही बस नहीं, कोरोना की मार सह रहे दिल्ली वासियों को आ रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए इन पगड़ी वाले फरिश्तों ने सड़कों पर ऑक्सीजन का भी लंगर लगा दिया है, वो भी तब जब ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के चलते ब्लैक मार्केट शुरू हो चुकी है। पता नहीं ये किस मिट्टी के बने हैं, बिना किसी भेदभाव के मानवता की निस्वार्थ सेवा करने की ये अनोखी आदत ही इन पगड़ी वाले फरिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके चलते ये मौत की भी परवाह नहीं करते। दुनिया इनको कुछ भी कहे, लोग इनके बारे में कुछ भी सोचें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने गुरु साहिबान से मिले मानवता की सेवा के मिशन में मस्त लगे रहते हैं। इनके खून में सेवा का ऐसा अनोखा जज्बा है जिसके चलते ये मौत के मुंह में जाकर भी लोगों को जिंदगी बांटने में लगे रहते हैं। इन अनोखे फरिश्तों का प्यार और सेवा देखकर लोग इनकी तारीफ करते नहीं थकते। धन्य है श्री गुरु नानक साहब की फौज के ये अनोखे फरिश्ते, जो हर संकट हर आपदा हर कठिनाई में अपना धर्म निभाते हुए मानवता की सेवा में लगे रहते हैं। आओ हम भी आपदा की इस घड़ी में मानव सेवा के लिए आगे आएं।